दीप राजस्थान। नमस्कार, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। स्वागत करता हूं आप सभी का दूसरा पहलू में। आज हमारी टीम आ पहुंची है परसरामपुरा में। इसी गांव में बचपन बीता एक नौजवान का, जिसे आज राज्य सरकार में अहम जिम्मेदारी मिल चुकी है। नाम है डॉक्टर राजकुमार शर्मा। जी हां, डॉक्टर राजकुमार शर्मा की जिंदगी इसी गाँव में बीती और यहाँ की गलियों में उनका बचपन बीता। बहुत सी यादें ताजा होंगी आज, बहुत से पहलुओं से उठेंगे उनके आज पर्दे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस प्रोग्राम की और दिखाते हैं डॉक्टर राजकुमार शर्मा की जिंदगी का दूसरा पहलू। अपनी मेहनत, दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन से अपना मुकाम हासिल करने वाले, समाज सेवा, शिक्षा प्रसार, शोषितों और दलितों के उत्थान के लिए काम करने वाली शख्सियत के धनी हैं वर्तमान में नवलगढ़ विधानसभा सीट से विधायक और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार शर्मा। 14 नवंबर 1963 को नवलगढ़ में शिक्षक राम निवास शर्मा शास्त्री के यहाँ जन्म हुआ डॉक्टर राजकुमार शर्मा का। डॉक्टर राजकुमार शर्मा के 4 भाई और 1 बहन हैं। पिताजी शिक्षक थे तो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा वहीं हुई जहाँ पिताजी कार्यरत थे। पढ़ाई में शुरू से ही अव्वल रहे, माता पिता के आज्ञाकारी बेटे। 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई करने के बाद जयपुर आ गए राजकुमार। महाराजा संस्कृत कॉलेज में प्रवेश लिया। छात्र जीवन के समय से ही राजनीति में प्रवेश कर लिया। शुरुआत में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य बने, फिर महाराजा संस्कृत कॉलेज के अध्यक्ष निर्वाचित हुए और 5 सालों तक अध्यक्ष रहे। इसके बाद राजस्थान विश्वविद्यालय में MA संस्कृत में प्रवेश लिया और चुनाव लड़ा राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष का। रिकॉर्ड मतों से जीता ये चुनाव। फिर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और संगठन के स्तर पर काम किया, विभिन्न प्रदेशों में भी गए। फिर आया 2008 का विधानसभा चुनाव। डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने चुनाव लड़ा और जीता, बन गए विधायक नवलगढ़ विधानसभा सीट से। समर्थन दिया अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के व्यक्तित्व से खासे प्रभावित हैं और उनसे प्रेरणा भी लेते हैं और मानते हैं कि राजनीति में उन्होंने उनको बहुत कुछ दिया है। सरकार के कार्यकाल के 1 वर्ष पश्चात इन्हें राज्य मंत्री पद मिला और विभाग मिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। तो वर्तमान में डॉक्टर राजकुमार शर्मा हैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री। क्या है इनकी जीवन शैली, क्या रहती है गतिविधियां, यही सब जानने की इच्छा हुई और हम चल पड़े उनके जयपुर के निवास स्थान पर। बहुत ही व्यस्त हो गई है दिनचर्या। सुबह अपने घर पर अपने मित्रों के साथ, शुभचिंतकों के साथ और आम लोगों के साथ ही मिल जाते हैं। बहुत से लोग हैं, कोई मंत्री बनने की मुबारक दे रहा है तो कोई अपने काम की दरखास्त लेकर आया है। यहाँ पर व्यस्तता अधिक है तो दिन भर के काम के लिए कुछ ऊर्जा भी चाहिए होती है, तो लोगों से मिलने के दौर में ही कुछ हल्का फुल्का खाते भी रहते हैं। कोई तामझाम नहीं, सिर्फ जीने के लिए ही खाना होता है। फिर फोन पर बातचीत शुरू हो जाती है। दिन भर के अपने कामों के बारे में जानकारी लेते हैं, कहां कहां कैसे कैसे जाना है उसके बारे में पता करते हैं। फिर अपनी नई जिम्मेदारियों को निभाने के लिए यहाँ से निकल पड़ते हैं। अब इनसे जानने की कोशिश करेंगे इनके पूरे राजनीतिक करियर के बारे में कि कुछ याद है और किस तरीके से आगे बढ़ते चले गए और राजनीति इनके हिसाब से है क्या आखिर। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि राजनीति आपके हिसाब से है क्या। राजनीति मेरे हिसाब से एक वो सेवा का केंद्र है जिससे आप उस गरीब की सेवा कर सकते हैं, उस पीड़ित व्यक्ति को आप लाभ पहुंचा सकते हैं जो आपके जो समाज के अंदर बिल्कुल एक अलग तरह की जीवन जीता है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने ये फील्ड चुना
और आज जिस प्रकार से राजनीति के अंदर अच्छे लोग आ रहे हैं, वो आने वाले समय में निश्चित रूप से देश का अच्छा विकास होगा। संस्कृत भाषा में आपने MA किया जी, क्या माने इसको कि आपने संस्कृत भाषा को ही क्यों चुना, क्या मतलब सोच रखा था, या फिर ये कि राजनीति में आपको जाना था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, पढ़ाई के लिए कम वक्त मिलता है, इसलिए कोई ऐसा विषय लिया जाए कि जहाँ पर पढ़ाई कम करने के बाद भी जो है आप अच्छे नंबरों से पास हो जाए। देखिए, ये आपको मैं बता दूँ जी कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है कि उसमें कम पढ़ने की तो बात आप भूल जाओ जी, क्योंकि संस्कृत बिना अभ्यास के विष के समान है। अगर इसको आप रेगुलर आप इसके श्लोकों का उच्चारण नहीं करोगे, उनके शब्दों का नहीं देखोगे, अगर कोई इसमें कोई नकल करने की भी कोशिश करे तो भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 3 घंटे के अंदर एक सवाल पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि जितने अलंत विसर्ग संधि। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपने जो है वो राजनीति के साथ साथ पढ़ाई भी की थी, और संस्कृत विषय जो लिया था वो पढ़ाई के लिए लिया था, ना कि राजनीति करने के लिए। बिल्कुल, मैंने पढ़ाई के लिए किया था, और मेरे फादर संस्कृत के विद्वान है, बहुत अच्छे संस्कृत बोलते हैं, मेरे दादाजी ज्योतिषाचार्य थे, मेरे घर में 7 आचार्य हैं। जैसे मैंने कहा था कि छात्र राजनीति से आपने राजनीति करियर की शुरुआत की, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जो है राजनीति करियर की शुरुआत आपने की थी, उसके बाद फिर जो है वो कांग्रेस में आए, फिर BSP में चले गए, फिर वापस कांग्रेस में, तो कहीं एक जगह क्यों नहीं टिक पाते डॉक्टर राजकुमार शर्मा, वजह क्या है, एक जगह क्यों नहीं टिकते आप? न तो किसी मंत्री की संतान हूँ, न किसी उद्योगपति का। जब यहाँ पे हम लोग आए थे उस समय हमारा तिलक लगा कि उन लोगों ने स्वागत किया, और उन लोगों ने हमें एक तरह से कोरे कागज के रूप में आए थे, हम लोग कोरा कागज था, उस पर कुछ भी लिखा जाता था, तो उन लोगों ने आकर अपने व्यवहार से सदी व्यवहार से हमारे साथ में उन्होंने मुलाकात की, हमारी हेल्प की उस समय, तो उनके साथ जुड़ा हो गया। और जब मैंने लास्ट में देखा कि हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, ये सिर्फ एक कार्य वो नीचे रखना चाहते हैं, तो उसके बाद में मैं आपको सच बता रहा हूँ कि एक मैं कहना चाहता हूँ कि किनारे पे कैसे रुकूं मैं, किनारे पे कैसे रुकूं मैं, जब लहरों ने दिया है मुझे आज निमंत्रण, तो उस समय मेरे स्टूडेंट साथियों ने मुझे मिलकर आगे लिया है, वो इंडिपेंडेंट के रूप में जीता, मैंने आपको बताया ना। उसके बाद में अशोक गहलोत जी का खुद फोन आया मेरे पास में कि आप मेरे साथ काम कीजिए, वहां चले गए। उसके बाद में मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मैं पार्टी के लिए मैंने बहुत काम किया है, मैंने आपको कहा कि 8-8 स्टेट में आपने देखा है सब कुछ, 8-8 स्टेट में मैंने काम किया है, जहाँ पे 50% टेम्परेचर था वहां भी मैंने काम किया, दिन रात भूखे पैसे रहकर काम किया है। लेकिन जब आंध्र प्रदेश के अंदर, कर्नाटका के अंदर, जब मैं नवलगढ़ के अंदर सेवा कर रहा था, वहां लोगों ने कहा कि हमें आपको राजकुमार को हमें चुनना है, तो उस समय जब मैंने बातचीत की तो वहाँ की राजनीति कुछ अलग मामला था, वहाँ पे कोई बहुत ऐसे बड़े लोग बैठे हैं, वो नहीं चाहते थे कि कोई नया लड़का है, लेकिन जनता ने चाहा और मुझे बना दिया, इसलिए मैंने हमेशा से हित देखा है। आज हम लोगों ने सपोर्ट किया था अशोक गहलोत जी की ईमानदारी को देखकर, राजस्थान की जनता के हित के अंदर। आज मैं पार्टी में आपको सच बता रहा हूँ आपको कि मुझे जनता की तरफ देखना है, मैं जनता के लिए, जनता का आदमी हूँ, जनता की तरफ ध्यान रखता हूँ मुझे उसी चीज। जब आप चुनाव लड़ रहे थे विधानसभा के लिए BSP के टिकट पर, तो क्या आपको उम्मीद थी कि एक दिन आप जीतेंगे, जीतने के बाद आप राजस्थान के मंत्री बनेंगे, क्या उस वक्त आपने सोचा था कुछ इस तरह के ख्याल आता है ज़हन में, कुछ उम्मीद थी आपको? देखिए, ये तो मेरे को 1 साल पहले नवलगढ़ के अंदर विधायक बना दिया था, क्योंकि जनता का काम किया था। रही बात मंत्री बनने की, तो ये तो मैं अशोक गहलोत जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी योग्यता को परखा, और मुझे ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी, चिकित्सा जैसी जिम्मेदारी जो आम आदमी के स्वास्थ्य के साथ जुड़ी हुई है, मैं उनका अत्यंत आभारी और विश्वास दिलाता हूँ आपके माध्यम से उनको और उनकी हमारी पूरी राजस्थान की जनता को कि मैं ईमानदारी के साथ में इस कर्तव्य को निभाऊंगा। लाल बत्ती को लेकर लोग जो है वो कयास लगाते हैं तरह तरह के, लोग सोचते हैं कि एक ताकत का एक माध्यम है लाल बत्ती, आपकी नज़र में लाल बत्ती है क्या, और लाल बत्ती किस तरह के अनुभव आपको देती है, क्या लाल बत्ती आने के बाद जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं? निस्संदेह जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, एक बहुत ही अपने आप को एक दायरे में रखना पड़ता है, एक जिम्मेदारी, क्योंकि राजस्थान, पूरा राजस्थान हमारी तरफ देखता है, हमारे हमारा कार्य क्या है, हम लोग किस तरह की हमारे दिनचर्या है, वो सब लोग हमारी तरफ देखते हैं, तो ये इस गाड़ी में बैठने के बाद में एक इतना बड़ा जिम्मेदारी का एहसास होता है, मेरे में बहुत चेंज आ गया। जब मैं मंत्री बनने के बाद में मेरे को ऐसा लगता है कि मैं पूरा दिन भर ये सोचता रहता हूँ कि कैसे मैं राजस्थान के उस कोने में जाऊँ जहाँ पे आज तक कोई नहीं पहुँच सका, ये सच्चाई बता रहा हूँ। अच्छी बात है। अगर मैं ये पूछूँ आपसे कि राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं आप, या फिर राजनीति के अंदर आपका आदर्श कौन रहा है? राजनीति के अंदर मेरा नो डाउट एक ही आदमी आदर्श है, वो है अशोक गहलोत जी, ये सच्चाई है। और जब आप कभी उनसे बात करोगे तभी आप मान जाओगे, क्योंकि उनकी सादगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी जंग और ईमानदारी, ये सब चीजें उनके मुझे उनकी सादगी सबसे अच्छी लगती है। राजनीति गुरु मेरे, मैं निश्चित रूप से आदरणीय महेश जोशी जी लिखना चाहूंगा,
और मुझे बार बार समय समय पर आदरणीय सीपी जोशी साहब ने बहुत गाइड किया है, तो निश्चित रूप से वो लोग मेरे हमेशा आदर्श रहेंगे। ठीक है, ये बताइए कि जिस मुकाम पर आज आप हैं उसके लिए आप किसको धन्यवाद देना चाहेंगे, किस्मत को, भगवान को, अशोक गहलोत को, अपनी मेहनत को या फिर अपने भाग्य को? सबसे बड़ा धन्यवाद तो मैं जनता को और मेरे लिए दुआ करने वाले लोगों को और ऊपर वाले को देना चाहता हूँ, और बाद में आपने जिनका भी नाम बताया उनको सबको धन्यवाद। ठीक है। अच्छा अच्छा जवाब है। डॉक्टर राजकुमार शर्मा का बचपन इसी घर में बीता और यहीं रहकर उन्होंने अपने पिताजी से राजनीति की बारीकियां सीखी। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो बताएंगे कि किस तरह से वो आगे बढ़ते गए और किन किन मुश्किलों का उन्हें सामना करना पड़ा। कहीं जाइएगा नहीं, दूसरा पहलू में अभी बहुत कुछ बाकी है। बनेगी भारत में भी विश्व स्तरीय इमारतें, जर्मन टेक्नोलॉजी से बना वर्ल्ड क्लास सीमेंट, भंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। कलश ने सोयाबीन को जगाया और बनाया एक्टिव। खरे सोयाबीन के गुणों से भरपूर कलश रिफाइंड सोयाबीन तेल से बना खाएंगे तो एक्टिव रहेंगे ही ना। बनो कलश सोया एक्टिव। भ्रष्टाचार हो या छेड़खानी, शिकायत अवश्य करें, कार्रवाई हम करेंगे। अपनी शिकायतें jago.in पर दर्ज करें। शिकायत करो, भारत बदलो। कलश ने सोयाबीन को जगाया और बनाया एक्टिव। खरे सोयाबीन के गुणों से भरपूर कलश रिफाइंड सोयाबीन तेल से बना खाएंगे तो एक्टिव रहेंगे ही ना। बनो कलश सोया एक्टिव। चट्टान सा खड़ा रहेगा आपका मकान, चट्टानों की मजबूती वाला सीमेंट जो है रॉक स्ट्रॉन्ग सीमेंट। ओके टूटू, श्री गुरु जी का ब्रह्म तेज रात भर दिमाग को दे पोषण और दिन भर रखे तेज। ब्रह्म तेज रात को सिर्फ एक ग्लास, दिन 10 ग्लास। चट्टान सा खड़ा रहेगा आपका मकान, चट्टानों की मजबूती वाला सीमेंट जो है रॉक स्ट्रॉन्ग सीमेंट। कलश ने सोयाबीन को जगाया और बनाया एक्टिव। खरे सोयाबीन के गुणों से भरपूर कलश रिफाइंड सोयाबीन तेल से बना खाएंगे तो एक्टिव रहेंगे ही ना। बनो कलश सोया एक्टिव। ये भारत में भी विश्व स्तरीय इमारतें, जर्मन टेक्नोलॉजी से बना वर्ल्ड क्लास सीमेंट, भंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। जीवन कुदरत का एक अनमोल तोहफा, शरीर सृष्टि की एक अद्भुत रचना, रोग तन और मन दोनों का दुश्मन, सेहत जिंदगी को भरपूर जीने की आदत। आइए करें खुद की देखभाल, रखें खुद का ख्याल। You, Me and Health अब से हर बुधवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी राजस्थान। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं श्री गुरु जी का ब्रह्म तेज, दिन चाहे हो वो एक हाउसवाइफ, या हो वर्किंग वुमन, बखूबी निभाती हैं अपने सभी रोल, घर परिवार हो या वर्किंग लाइफ, देती है वो अपने 100% एफर्ट, तभी तो बनती है मिसेस भाग्यशाली। ऐसी ही लेडीज से मिलने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए देखिए मिसेस भाग्यशाली हर सोमवार और मंगलवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ पीटीवी राजस्थान पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं कम घिसे ज्यादा चले उस राल सो PCN Edmark हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्च पाउडर। श्री गुरु जी का ब्रह्म तेज, दिन 10 लाख। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं दूसरा पहलू और आज हमारे साथ हैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं एक बार इस प्रोग्राम की और दिखाते हैं आपको इनकी जिंदगी के कई और अनछुए पहलू। रास्ता
रास्तों को पार करते हुए।